गुड मॉर्निंग बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो टॉपिक थे उनको थोड़ा सा अलग अलग बांट दिया गया था। यदि आपको याद हो, फ्लावर के स्ट्रक्चर, मेल गैमेटोफाइट की संरचना, फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, लास्ट में सीड था। तो उसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लास्ट में आपको स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई गई थी एंथर की संरचना। एंथर में दो पालियां होती हैं, अंदर पॉलिन चैम्बर पाए जाते हैं, पॉलिन चैम्बर के अंदर माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये आपकी लास्ट क्लास थी। ये जो पॉलिन चैम्बर है, इस पॉलिन चैम्बर में माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन का निर्माण हुआ था मियोसिस डिवीजन के पश्चात, ठीक है। और ये मियोसिस डिवीजन जब होता है, आपको मालूम होगा कि मियोसिस डिवीजन वह डिवीजन होता है जिसमें एक सेल से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। मियोसिस डिवीजन वह डिवीजन होता है जिसमें मदर सेल से फोर हैप्लॉयड डॉटर सेल का निर्माण होता है। मतलब एक जो सेल होगी उस सेल से चार कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो जब यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यदि आपको याद हो तो थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, पिछला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें बताया था कि यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक बार मियोसिस डिवीजन होता है और उस एक मियोसिस डिवीजन से फोर पॉलिन ग्रेन का या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस डिवीजन हुआ तो यहां पर ये चार पॉलिन ग्रेन का निर्माण हुआ। क्या बनेंगे? पॉलिन ग्रेन बनेंगे। तो यहां पर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी ये डिप्लॉयड थी। मियोसिस डिवीजन होने के बाद ये सारे पॉलिन ग्रेन कैसे हो गए? हैप्लॉयड हो गए, आगुणित हो गए, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है। अच्छा, अब आप ये समझे कि यहां पर जब ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार पॉलिन ग्रेन का निर्माण होता है तो ये चार पॉलिन ग्रेन एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बल्कि चारों पॉलिन ग्रेन एक साथ यूनाइटेड रहते हैं। मतलब एक साथ रहते हैं। एक साथ कैसे रहते हैं? विभिन्न प्रकार के पौधों में, जितने भी प्रकार के पौधे पृथ्वी में पाए जाते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट्स में ये माइक्रोस्पोर पॉलिन ग्रेन अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। उसी को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन। इनकी व्यवस्था कैसी होती है? और ये व्यवस्था 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार से हो सकती है, ठीक है। कैसे कैसे इनकी व्यवस्था होती है थोड़ा सा ये समझे। एक इनका जो अरेंजमेंट है उसको कहते हैं टेट्राहीड्रल। क्या कहते हैं? टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल में देखो, चार पॉलिन ग्रेन बने थे, यहां पर चार माइक्रोस्पोर बने थे। ये चारों माइक्रोस्पोर एक साथ रहेंगे, ऐसे भी रह सकते हैं, ठीक है। ये चारों एक साथ रहेंगे लेकिन चारों अलग नहीं होंगे, अलग बाद में होते हैं लेकिन डिवीजन के समय ये चारों एक साथ रहते हैं। तो इन चारों की व्यवस्था कैसे कैसे हो सकती है वो आपको मैंने यहां बताना है। सबसे पहले टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल में क्या है, चार माइक्रोस्पोर एक साथ हैं, उनकी व्यवस्था ऐसी होगी। अब इस पहले चित्र में आप कहेंगे कि माइक्रोस्पोर तो तीन दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करें आप कि तीन माइक्रोस्पोर ये जो सामने दिख रहे हैं, इन तीनों के पीछे एक माइक्रोस्पोर है। तो मतलब तीन आगे से दिखेंगे और एक इसके पीछे स्थित होगा, तो ये व्यवस्था कहलाती है टेट्राहेड्रल। दूसरी होती है आइसोबाइलेट्रल, इसमें भी चार ही पॉलिन ग्रेन है लेकिन चारों सामने से दिखाई दे रहे हैं, चारों सामने से दिखाई देती है, ऐसी इनकी व्यवस्था होती है। तीसरी व्यवस्था है डेकुसेट। डेकुसेट अरेंजमेंट में क्या होता है कि देखिए, यहां पर दो पॉलिन ग्रेन ये आपको सामने से दिखाई दे रहा है, एक पॉलिन ग्रेन ये है और इसी पॉलिन ग्रेन के पीछे चौथा पॉलिन ग्रेन है। मतलब दो ऐसे सामने से दिख रहे हैं और एक जो नीचे ऐसे दिख रहा है उसके एक पीछे और ऐसे स्थित है। तो दो ऐसे हो गए और दो ऐसे हो गए, ये व्यवस्था कहलाती है डेकुसेट।
टी शेप में क्या होता है, टी शेप में दो ऊपर ऐसे रहते हैं और दो एक और दो ये, तो दो ऊपर और दो नीचे ऐसे चार स्थित होते हैं। तो टी क्या आकार की संरचना इसमें बन जाती है, इसलिए इसको टी शेप कहते हैं। लीनियर जो होता है चारों माइक्रोस्पोर क्रम से एक पंक्ति में लाइन में, इसलिए इसका नाम लीनियर, चारों माइक्रोस्पोर एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें से ये जो आपका टेट्राहीड्रल व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, ये डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। डाइकॉट द्विबीजपत्री पौधों में, उनके फ्लावर में पाया जाता है। और आइसोलेटरल आइसोबाइलेटरल जो होता है ये अधिकांशतः मोनोकॉट में पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। टेट्राहीड्रल अधिकांश डाइकॉट में, आइसोबाइलेटरल अधिकांश मोनोकॉट में, और शेष ये जो होते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है अरेंजमेंट ऑफ पोलिंगेंट ईयर की व्यवस्था होती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी एंथर में ही स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर की आपको संरचना पढ़नी है। माइक्रोस्पोर की संरचना ऐसी होती है, ये संरचना में आता है, लगभग कुछ ऐसे होते हैं, कुछ गोल होते हैं, तरह तरह के माइक्रोस्पोर होते हैं। ठीक है, ये जो बाहर की लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये मोटी लेयर होती है, थिक होती है, इसे कहते हैं एग्जाइन। क्या कहेंगे, एग्जाइन, बाहर की परत। दूसरी परत जो होती है ये अंदर होती है, ऐसे ये अंदर की लेयर कहलाती है इंटाइन, INTINE, इंटाइन कहलाती है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों परत जो होती है, लेयर जो होती है, किसी विशेष स्थान पर एक जगह से या दो जगह से या दो से अधिक स्थानों पर कमजोर होती है। ठीक है, कमजोर होती है, इस स्थान को कहते हैं जर्म पोर। क्या कहेंगे, जर्म पोर कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सभी सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, और अंदर भरा हुआ जो तरल पदार्थ न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है उसे कहेंगे आप साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक सामान्य संरचना है पोलन ग्रेन की। अच्छा, पोलन ग्रेन में जो एग्जाइन होती है ये बहुत कठोर होती है, थिक होती है, मोटी होती है। इसके मोटे होने का कारण क्या होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन एक पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, ये पॉलीसेकेराइड होता है, उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। और इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण ही माइक्रोस्पोर जमीन के नीचे लाखों करोड़ों वर्ष दबे होने के बावजूद भी नष्ट नहीं होते। आपने सुना होगा फॉसिल पर निकाले जाते हैं, फॉसिल प्राप्त होते हैं, तो फॉसिल में पोलन ग्रेन जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जमीन के नीचे दब गए थे वो आज कैसे सुरक्षित मिल रहे हैं, उसका कारण क्या होता है, एग्जाइन में पाए जाने वाला यह पॉलीसेकेराइड स्पोरोपोलेनिन होता है जो इसको बचाए रखता है प्रतिकूल परिस्थितियों पर। ठीक है, इसके बाद एक इंटाइन जो अंदर की लेयर होती है, ये इंटाइन बनी होती है पेक्टिन की, इंटाइन जो होती है वो किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, और पेक्टिन के साथ साथ इसमें सेलुलोज भी पाया जाता है, पेक्टिन के साथ में इसमें सेलुलोज भी पाया जाता है। ये दो पदार्थ होते हैं इंटाइन के, ये आपके नीट वगैरह के एग्जाम में ये थोड़ा सा प्रश्न यहाँ से निकाल लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जाइन जो होता है स्पोरोपोलेनिन का और इंटाइन पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, और यही जो एग्जाइन होती है कुछ स्थान पर कमजोर होती है, उस स्थान को कहते हैं जर्मपोर। ठीक है, अंदर साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अच्छा, न्यूक्लियस कैसा होगा, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, कमेंट में लिखिए इसे आप। ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा होगा, हैप्लॉइड या
डिप्लॉयड। यदि आपको मालूम हो, पिछला वीडियो देखा है आपने, तो वहां पर इसका आंसर है, देखकर बताइए आप इसको। ठीक, तो ये हो गई पॉलिन ग्रेन की संरचना। अब इसके बाद आता है डेहिसेंस ऑफ मैच्योर एंथर। डेहिसेंस का मतलब होता है स्फुटन। क्या होता है? स्फुटन, फट जाना। जो एंथर मैच्योर हो जाता है, ये देखिए अभी भी बना हुआ चित्र, ये एंथर जब मैच्योर हो जाएगा तो कैसे फटेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना है। जैसे आप लोग कभी, जैसे आप कपड़े धुलते हैं, तो जब कपड़े आप धुल कर फैलाते हैं तो आप देखें कपड़ों का जो आकार होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, मतलब सीधा आप कह सकते हैं कि पानी से भीगा हुआ जो कपड़ा होता है बिल्कुल सीधा से दिखाई देता है। लेकिन वही कपड़ा जब धूप में सूख जाता है तो सूखने के बाद उस कपड़े पर कुछ सिकुड़न आ जाती है। गौर करिएगा यदि नहीं किया हो, यदि आप जानते हैं तो आप फिर इस चीज को समझ जाएंगे। इसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे आप इसकी लेयर के बारे में पहले बतलाया था, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर टेप्टम और माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या होती है? सबसे बाहर की सिंगल लेयर। इंडोथीसियम दूसरे नंबर की लेयर होती है, लंबी होती है, इलांगेटेड होती है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे मिडिल लेयर होती है। मिडिल लेयर किस आकार की होती है? क्यूबॉइडल, घनाकार होती है, घन के आकार की। टेप्टम ये न्यूट्रिटिव लेयर कहलाती है, पोषण स्तर कहलाती है, पोषक देती है, न्यूट्रिशन देती है किसे? माइक्रोस्पोर को। और इनका आकार टेप्टम का अमीबॉइडल होती है, मतलब अमीबा के आकार की, मतलब अनियमित आकार की। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन के बाद, माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देने के बाद टेप्टम समाप्त हो जाती है, विघटित हो जाती है। अब जब एंथर मैच्योर होता है तो एंथर के मैच्योर होने पर इसके अंदर का जो पानी होता है वो पानी धीरे धीरे सूखने लगता है। अब जब सूखेगा पानी, जब सूखेगा तो इसकी जो कोशिका होती है इंडोथीसियम, अभी उदाहरण दिया था कपड़े का, कपड़ा जब सूखता है तो क्या होता है, उसमें सिकुड़न आती है। इसी प्रकार से जब इन कोशिकाओं से, इंडोथीसियम से पानी बाहर निकलता है तो इसकी कोशिकाओं में सिकुड़न होता है, मतलब कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, पास पास आने का कार्य करती हैं। अब देखिए इसकी संरचना में, ये जो संरचना पिछली बार बनाई थी, मैंने बताया था कि ये जो इंडोथीसियम होता है, ये इंडोथीसियम इस स्थान पर सबसे कमजोर होता है। कौन सा स्थान? स्टोमियम, इस स्थान पर कमजोर होता है। और इस स्थान पर कमजोर होने के कारण से जब इंडोथीसियम सिकुड़ती हैं, पास पास आती हैं, तो स्टोमियम वाले भाग में खिंचाव पैदा होता है, और खिंचाव जब होता है तो इसी स्थान से ये हट जाता है। ये दोनों भाग ऐसे फैल जाता है, पहले ऐसे जुड़ा होता है, बाद में ऐसे फैल जाता है। तो जैसे ही फैलता है, ये अंदर का जो भाग होता है पॉलिन ग्रेन का, ये हवा में स्वतंत्र हो जाते हैं। दैट इज डेहिसेंस ऑफ मैच्योर एंथर। ठीक है, इस प्रकार से एंथर मैच्योर होता है, सॉरी एंथर मैच्योर एंथर जो होता है उसका डेहिसेंस होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है जो पॉलिन ग्रेन अब हवा में चले गए। पॉलिन ग्रेन जब हवा में जाते हैं तो हवा में जाने के पश्चात उनका एक काम होता है पॉलिनेशन करना। पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा में पहुंचना। स्टिग्मा गाइनोसियम का शीर्ष भाग, स्टिग्मा। तो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा में जाता है। ये पॉलिनेशन की प्रोसेस में नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्टिव है, उसको मैं बड़े में समझाऊंगा। अभी शॉर्ट में समझे, पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा में जाता है, वो पॉलिनेशन होता है। ठीक, पॉलिनेशन के पश्चात फिर यहां पर डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन होता है, मतलब पॉलिन ग्रेन का अब विकास होगा, इसके अंदर कोशिकाओं का निर्माण होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट में क्या होगा, इस डेवलपमेंट में जो पॉलिन ग्रेन हवा में उड़ गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, वो पॉलिन ग्रेन के अंदर अब मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। पॉलिन ग्रेन से मेल गैमेट का बनना
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। कैसे होता है? यहां पर सबसे पहले ये जो पॉलन ग्रेन पूरी संरचना ऐसे जो बनाई थी आपने ऐसे, इसके अंदर एक मेल न्यूक्लियस था, अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ था। तो जिस समय इसका डेवलपमेंट प्रारंभ होता है उस समय इसके अंदर का ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था ये न्यूक्लियस हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड, ये न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है? मियोसिस डिवीजन के बाद हुआ है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पे डिवाइड होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों विभाजित होता है, और विभाजित होने के पश्चात ये दो असमान कोशिकाओं में, दो असमान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। ये छोटी कोशिका कहलाती है जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, और यहां पे जो दूसरा न्यूक्लियस होता है ये कहलाता है ट्यूब अथवा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये कहलाते हैं। दो न्यूक्लियस बनते हैं। अब इसी अवस्था में जो पॉलन ग्रेन होता है, अब ये हवा से उड़ते हुए कहां पहुंचता है? स्टिग्मा में पहुंचता है, गाइनोसियम के पास जाता है, और वहां पर जब जाता है तो ये पॉलन ग्रेन के अंदर का डेवलपमेंट थोड़ा आगे बढ़ता है। ये हो गई एक जाइम, ये हो गई एक जाइम, और इसके अंदर जो जर्म ट्यूब हो, जर्म पोर था, ये कमजोर स्थान जर्म पोर, उस जर्म पोर स्थान से ये लंबी सी ट्यूब बाहर निकलती है, और इसके अंदर ये जनरेटिव सेल बदल जाता है टू मेल गैमेट्स में, ये टू मेल गैमेट्स में बदल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मेल गैमेट सबसे आगे यहां पर होता है ट्यूब न्यूक्लियस, ये हो गया ट्यूब न्यूक्लियस, और इसके पीछे तो ये होते हैं मेल गैमेट्स, ये दो मेल गैमेट्स होते हैं, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में दो टॉपिक पढ़ना है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, सॉरी एक वीडियो अभी और बचा हुआ है इसमें। अभी फीमेल जो गैमीट है या मेल फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट बचा हुआ है उसको अभी पढ़ेंगे, पहले ये हो गया, इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।